जय भीम इंडिया में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुनिया को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध की जयंती बुलढाणा के चिखली में धूमधाम से मनाई गई। गजानन नगर में 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए बुद्ध विहार में 4.5 लाख रुपए की पंचधातु की बुद्ध की मूर्ति स्थापित की गई। इस दौरान विधायक राहुल बोंद्रे ने विचार व्यक्त किए। विहार मध्ये आता पंचधातूंची भगवान बुद्धांची मूर्ती लागली आहे। तदंतरी नगराध्यक्ष असताना त्यावेळेस भगवान बुद्धांची मूर्ती हैदराबाद वरून इथे आली। म्हणजे सुरुवातीचं काम जे झालं ते सौ वंदनाताई गवई या नगरसेविका असताना आणि मग पुढचं काम जे आहे ते कदमताई नगराध्यक्ष असताना असं झालंय। आणि आता कार्यक्रम जे आहेत ते आमचे शेटे साहेब नगराध्यक्ष असताना हे होत आहेत। पण एवढं मोठं विहार झालं म्हणजे जे एवढा मोठा सुंदर विहार झाला आपल्या हस्ते भगवान बुद्धांच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना झाली। पण गवई सरांनी जी खंत व्यक्त केली की इथे येण्यासाठी रस्ता नाहीये, छोटा रस्ता आहे। महात्मा गौतम बुद्ध की 2560वीं जयंती पर मुंबई के कल्याण में बौद्ध जनों ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। जयंती पर 10 दिवसीय श्रामणेर शिविर भी लिया। इस दौरान भव्य धम्म रैली निकाली गई, वहीं महिला मंडल ने श्रामणेर शिविर को सफल बनाया। मैं ये लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज जैसा तथागतम सम्यक संबुद्ध का 2560 साल का उत्सव पर एक बार मैं सभीयों को यहाँ पे कल्याण वेस्ट में जो सभीयों को जो बौद्ध उपासक उपासिका को मैं एक बार मैत्रीपूर्ण आशीर्वाद देते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हम लोगों ने जो उत्सव मनाया ये परंपरा से है, ये बौद्ध धर्म में परंपरा से ले होती हुआ आज तक ये चल रहा है। तो आज ये जयंती में मैं चाहती हूँ कि जो बाल सामनेरा है ये लोग को मैंने 15 तारीख मई में ये लोग को मैंने सामनेरा बनाया। और ये सामनेरा बनाते हुए मैं दिखाना चाहता हूँ कि अपना बुद्ध धर्म को प्रकार करने के लिए और बुद्ध धर्म को आगे लेके जाने के लिए मैं ये कोशिश करता हूँ। और आज जो मैं बहुत खुशी हूँ कि आज जो इतना सारे उपासक उपासिका ये आयोजित बुद्ध जयंती उत्सव पर यहाँ पे सारे जो उपासक उपासिका यहाँ पे तमाम लोगों ने यहाँ पे आके एकजुट होते हुए और ये जयंती को मनाने के लिए बहुत उत्सव से सब यहाँ पे एकत्र हुआ, मैं यही खुशी हुआ हूँ। और आगे भी मैं यही तरीका से कोशिश करते रहूँगा, ये मैं बुद्ध से प्रार्थना हूँ। पंत जी कितने सामनेरा आपने तैयार किए इस दिन में? मैं ये सामनेरा मेरा ऐसा तो इच्छा था कि 500 बनाना, लेकिन जगह का कम का वजह से मैं इतना तैयार कर नहीं पाया। फिर भी मैंने 40 बच्चों को मैं तैयार किया के सामनेरा शिविर बनाने की। और किन किन लोगों ने इसमें सहयोग किया आपको? सहयोग यहाँ पे सारे काफ़ी, यहाँ पे कल्याण वेस्ट ईस्ट सारे जो लोग हैं, मेरा जितना करीब में पहचान है ये सभी ने मेरा को सहयोग दिया है। साथ में यहाँ पे ज़्यादा करके यहाँ पे जो महिला मंडल है ये महिला मंडल लोगों ने बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दिया। ये मैं इसलिए महिला मंडल को बहुत बहुत मैत्रीपूर्ण आशीर्वाद देना चाहता हूँ। क्या संदेश देना चाहते हैं मुख्य संदेश से? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमेशा हम एक खुशियों से आनंदित से हम एकजुट होते हुए हमेशा हम ऐसा एकाग्रता रहना, ये मैं सभी को संदेश देना चाहता हूँ। कल्याण पश्चिम में 10 दिन का छोटे बच्चों के लिए बाल श्रामण शिविर का आयोजन किया गया है। इस उपलक्ष्य में 40 बच्चे इस बाल श्रामण शिविर में बच्चों ने रिक्शा ली है और पूजनीय बंदे की ओर से उनको चीवरदान दे के उन बच्चों के लिए रोज सवेरे उठ के उनके लिए
बुद्ध धम्म के पाठ से लेके उनको ज्ञान दिया जाता है। और ये पहली बार हुआ है कल्याण पश्चिम में। हमारे कुछ बंधु इसी में बहुत सारा उनको श्रेय दिया है कि हर काम में वो करते हैं, जैसे वानखेड़े साहब, रणदेवे साहब, सिरसाड़ साहब, डॉक्टर सिरसाड़ साहब, मैं खुद भी इस काम बंदी के हाथ बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य बनता है। और हमारे महिला मंडल जो है ये दिन रात होके बच्चों का देखभाल करते हैं, उनके हर बात के लिए पानी से लेके उन बच्चों को खाना खिलाने से लेके उनकी सेवा करते हैं। पूरे विश्व को शांति का मार्ग दिखाने वाले तथागत गौतम बुद्ध की जयंती अकोला जिले के कई स्थानों पर उत्साह और शांति के साथ मनाई गई। इस दौरान बुद्धम शरणम गच्छामि के मधुर स्वरों पर शहर के बुद्ध विहारों में तथागत को वंदना कर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो आइए देखते हैं अकोला के तेलहरा, बारशी, टाकली सहित कुछ स्थानों की झलकियां। तथागत बुद्ध शांति, करुणा, शील और अहिंसा के प्रतीक है। उन्होंने पूरे संसार को धम्म का मार्ग दिखाया। उनकी 2561वीं जयंती पर अकोला में शांति के साथ उत्साह मनाया गया। बारशी टाकली तहसील के खरड़ा खुर्द गांव में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध मूर्ति की स्थापना की गई, जिसकी शुरुआत रैली निकाल कर की गई। इस धम्म कार्य में धम्म उपासक गोवर्धन सदाशिव ने विहार को बुद्ध मूर्ति दान स्वरूप में दी। इस कार्य में गाँव के सभी धर्मों के लोगों ने सहकार्य किया। माझ्या गावामध्ये बुद्ध विहाराची इमारत भव्य इमारत बांधली आहे आणि माझ्या या इमारतीचे नाव जीवक बुद्ध मंदिर असे नाव ठेवलेले आहे। तरी आज माझ्या गावामध्ये मी भगवान बुद्धाची मूर्ती माझ्यातर्फे मी विहाराला दान केलेली आहे। आज बुद्ध पौर्णिमेचा दिवस आज 21 मे 2016 या रोजी शनिवार दिवशी मी बुद्ध मंदिराला भगवान बुद्धाची मूर्ती दान दिलेली आहे। मजलापूरवरून आखाडा बोलवलेला आहे कार्यक्रमाला शुभा वाढवण्यासाठी आणि गावामध्ये भव्य मिरवणूक काढलेली आहे आणि मिरवणूकमध्ये सर्व समाज बांधवांनी सहकार्य केलेलं आहे आणि या गावामध्ये बंजारा, पाटील आणि बौद्ध या तीन समाजाचे लोक राहतात आहेत आणि तिन्ही समाज मिळून भव्य मिरवणूक काढलेली आहे आणि मजलापूरवरून वही अकोला के अशोक वाटिका परिसर में भगवान बुद्ध को वंदन करने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बुद्धम शरणम गच्छामि के मधुर स्वर से पूरा परिसर बौद्धमय हो गया। यहाँ पौर्णिमेचे विशेष महत्व म्हणजे आज चार घटना घडलेल्या आहेत। एक तर सिद्धार्थ गौतमांचा जन्म, त्यांना ज्ञान प्राप्ती आणि त्यांचा महानिर्वाण याच दिवशी झालेला आहे। म्हणून ही पौर्णिमा आपल्या पूर्ण जगात सर्वात मोठी जयंती मानली जाते। आज आम्ही जयंती निमित्त खीरचं वाटप केलेलं आहे, अष्टशील उपवास घेतलेला आहे, पूर्ण वंदना घेतलेली आहे, भोजन दान केलेलं आहे। आम्ही सर्व महिलांनी सर्व संघांनी मिळून भोजन दानाचं आयोजन केलेलं आहे, खीरदानाचं आयोजन केलेलं आहे। आम्ही सर्व उपक्रम हे आशा वाटते की प्रेरणाभूमी संघ प्रत्येक कार्यक्रम आम्ही वर्षभरात राबवत असतो। सगळ्या जयंत्या, सर्व उत्सव आम्ही एकोप्याने साजरे करत असतो आणि ह्या सर्व तथागत गौतम बुद्धाच्या जयंतीच्या पूर्ण भारतवासियांना माझ्याकडनं आणि प्रेरणाभूमी संघाकडनं लाख लाख शुभेच्छा। बुद्ध पूर्णिमा की सुबह कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, लेकिन शाम होते ही यह सिलसिला शुरू रहा। तेलहरा में बुद्ध जयंती पर धम्म उपासकों ने कैंडल मार्च निकाला। बुद्ध के दिखाए गए शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलकर उत्साह के साथ कैंडल रैली निकाली गई। इस दौरान लॉर्ड बुद्धा टीवी के प्रतिनिधि और ग्रामवासियों ने भी अपना सहभाग दिखाया। तथागत बुद्ध की जयंती पर अमरावती जिले के सद्धम्म बुद्ध विहार में कई संगठनों ने एकत्रित आकर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस अवसर पर सप्त खंजीरी वादक तुषार सूर्यवंशी का प्रबोधन कार्यक्रम भी लिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में बौद्ध जनता उपस्थित थी। तथागत भगवान गौतम बुद्ध आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती प्रीत्यर्थ हा तुषार सूर्यवंशीचा सप्त खंजीरीचा कार्यक्रम आम्ही आयोजित केलेला आहे आणि आमचं संस्थेचं नाव सम्यक बहुउद्देशीय संस्था मायडी रोड अमरावती या म्हणजे आमच्या मंडळाने आयोजित केलेला आहे। या सद्धम्म बुद्ध विहार सम्यक बहुउद्देशीय संस्था व बहुजन एम्प्लॉईज फेडरेशन व डेमोक्रॅटिक यूथ फ्रंट या चारही संघटनाच्या संयुक्त विद्यमाने या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, तथागत गौतम बुद्ध व राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जयंतीनिमित्त हा सामाजिक प्रवाह कार्यक्रम आम्ही सद्धम्म बुद्ध विहार परिसरामध्ये आयोजित केलेला आहे। खरं म्हणजे आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी एका ठिकाणी म्हटलं आहे
की या भारतातील ही जी परिस्थिती आहे ही खूप विचित्र आहे, वेगवेगळ्या परिस्थिती आहे, या ठिकाणी वेगवेगळ्या जाती धर्माचे लोक राहतात, परंतु ते सगळं त्यांच्यामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी सामाजिक प्रबोधन हे अत्यंत आवश्यक आहे, तोच धागा आम्ही पकडू हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला आहे। धन्यवाद। हाल ही में नांदेड़ जिले के कई जगहों पर महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध की 2560वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। ऐसा ही नजारा श्रावस्ती नगर में के महाप्रजापति गौतमी बौद्ध विहार में देखने को मिला। भिक्कुनी धम्म मेघा इनके मार्गदर्शन में पंजाब की आराधना बौद्ध इस बालिका को भदंत पहिया रत्न भदंत पहिया बोधि इनकी उपस्थिति में पबज्जा दीक्षा दी गई। यहाँ पर आज पंजाब शहर से आई हुई आराधना बौद्ध इस लड़की का आज यहाँ पर प्रवज्जा विधि संपन्न हुआ है। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस इतनी बड़ी कम उम्र की आयु में सब अपने परिवार को सब अपने रिश्तेदार को छोड़कर और भगवान बुद्ध का शासन आगे बढ़ाने के लिए समाज को एक बहुत बड़ा आज आदर्श अपने सामने आज हम देख रहे हैं कि इस लड़के को देखने के बाद सबका मन जो है एकदम कांप उठता है कि इतना बड़ा उसका जो त्याग है, उसकी जो श्रद्धा है, उसका जो समर्पण है, आत्मविश्वास है, वो सब हम सभी बौद्ध उपासक उपासिकाओं के लिए आज के दिन पर बहुत बड़ा आदर्श है। मैं इस अभी भिक्कुनी संघ में नई नई सदस्य बनी हुई श्रावणेरी धम्मनंदा उसके भविष्य के जीवन के लिए और भगवान बुद्ध ने दी हुई शिक्षा का और गहराई से अध्ययन करने के लिए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धर्म हम सभी को दिया है उसका और प्रचार और प्रसार करने के लिए उसके लिए मैं बहुत बहुत आशीर्वाद करती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वो अच्छा किया। उस धर्म में मतलब जो पहले मैं आराधना बौद्ध थी तो उस जीवन से अच्छा ये जीवन है जिसमें मैं अपने धर्म और अपने समाज के अपने बौद्ध धर्म को सभी को आगे बढ़ा सकती हूँ, उनके लिए कुछ कर सकती हूँ और उसमें रहकर उतना नहीं मैं कर पाऊँगी जितना मुझे यहाँ अच्छा लगेगा करने में, अपने धर्म को अपने समाज को आगे बढ़ाने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग मेरी मदद करें, मेरे समाज और धर्म, और मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं सभी में से एक हूँ जो मुझे आज चीवर लेने का मौका मिला। इसी तरह आलवी महिला मंडल महसूल नगर में भी बुद्ध जयंती पर सभी उपासक उपस्थितों को त्रिशरण पंचशील तथा 22 प्रतिमा का पठन करवाते हुए धम्म के बारे में जानकारी दी गई। महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध यांच्या 2560व्या जयंती निमित्त महसूल नगर येथे सगळे बौद्ध उपासक आणि उपासिका यांनी येथे जमून मोठ्या प्रमाणात बुद्ध जयंती साजरी करत आहोत। त्यानिमित्त प्रथम मी आपला सर्वांना बुद्ध जयंतीच्या शुभेच्छा देतो। आपले जीवन मंगलमय सुखकारिक जावो अशी मी तथागताच्या चरणी प्रार्थना करतो। जय भीम। मी महसूल नगरातील आलवी महिला मंडळाच्या अध्यक्षा सुहासिनी भद्रे आमच्या सर्व महिला मंडळातर्फे आणि इथले सर्व बौद्ध उपासक उपासिका यांच्यातर्फे बौद्ध जयंतीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देते। सर्व महिला मिळून तथागत गौतम बुद्धांनी सांगितलेल्या अष्टांग मार्गांचा आणि त्रिशरण पंचशिलेचा संपूर्णपणे आचरण करणार आहोत आणि पालन करणार आहोत। आमच्यातर्फे आणि माझ्या महिला मंडळातर्फे सर्व जनतेला हार्दिक शुभेच्छा। परभणी जिले के पाथरी में अंबेडकरवादी मिशन अभ्यास केंद्र और नांदेड़ शिक्षण संस्था के प्रमुख दीपक कदम इनका नागरी सत्कार का कार्यक्रम संपन्न हुआ। दीपक कदम पिछले कई सालों से अभ्यास केंद्रों के माध्यम से अंबेडकरवादी विचारों को समाज तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इस सत्कार समारोह में लातूर के अतिरिक्त जिलाधिकारी सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। या ठिकाणी मी सर्वांचे नावं पहिल्यांदाच मी या ठिकाणी माझा परिचय पहिल्यांदाच होतो, त्यामुळे या ठिकाणी
आदरणीय भंडेजी सर्व मान्यवर यहाँ उपस्थित आने सर्व बंधु भगिनी माता भगिनी विद्यार्थी मित्रों खरतर यठिका जस प्रास्ताविका मधे मिशन केन्द्र विद्यार्थी यठिका बोलना कि मी मे शक्य तो संपूर्ण महाराष्ट्रा फिरतना मी शक्य तो सत्कारा कार्यक्रम ये टाला कारण मटते कि मैं अजु मज उद्दिष्ट पूर्ण के नहीं है कारण क्या उद्दिष्ट पूर्ण न करता मटते सत्कार स्वीकार थोड़स अवहल्यासारख हो माजी आता सुरुआत है आप उद्दिष्ट प्राप्त न करता मटते सत्कार देने उचित नहीं कारण यठिका सर जो का आग्रह होता यठिका संयोजन समिति होती मध्यंतरी सर्व संयोजन समिति ही नांदेडमध्ये आले आणि या सर्व शिक्षक मंडळींनी आणि बाकी प्राध्यापक डॉक्टर्स या सगळ्या मंडळींनी या ठिकाणी जे काही म्हणजे हा आग्रह केला या ठिकाणी मी अशा पद्धतीचा कार्यक्रम म्हणजे घेणार आणि त्यांना मला कळता आलं मी त्यांना हे सांगितलं की अत्यंत विनयपूर्वक म्हणजे सत्कार तुमचा स्वीकार करत असताना मला वाटतं की म्हणजे या ठिकाणी हा तुमचा विश्वास जो आहे तो विश्वास मला या ठिकाणी पाहिजे तुमचे या ठिकाणी आशीर्वाद पाहिजे तुमचे या ठिकाणी जे काही सहकार्य असेल तर ते सहकार्य पाहिजे आणि त्याच्यासाठी म्हणून आपल्या कार्यक्रमाचं जे काही या ठिकाणी मी त्यांना होकार दिला या ठिकाणी या भव्य म्हणजे सत्कारचं मला वाटतं की म्हणजे अत्यंत विनयपूर्वक म्हणजे सुरुवातीला मी या सत्काराचा स्वीकार करतो अत्यंत जबाबदारीनं कारण विनयपूर्वक आणि अत्यंत जबाबदारीनं म्हणजे हे जे काही आपण भरभरून या ठिकाणी प्रेम दिलं आणि मला वाटतं की त्याच्यासाठी मी सदैव आपला ऋणी राहील या ठिकाणी सदैव आपल्या म्हणजे ऋणामध्ये राहील अशा पद्धतीचं या ठिकाणी मी म्हणजे अगदी या ठिकाणी सुरुवातीलाच म्हणजे माझं जे काही मत असेल ते या ठिकाणी व्यक्त करतो खरं तर म्हणजे मी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आणि देशभरामध्ये फिरत असताना या ठिकाणी मिशन केंद्र उभं करत असताना आर्थिक सहकार्यासाठी तर ठीक आहे फिरावंच लागतं मला पण त्याच्यासोबत या ठिकाणी पूर्ण विविध शहरामधील जे गरजवंत मुलं आहेत विविध शहरामधील जे भोजपूर मुलं आहेत गरीब मुलं आहेत तर त्यांनासुद्धा शोधून त्यांनासुद्धा मिशन केंद्रामध्ये घेऊन जाण्यासाठी पण त्यांच्यासाठी प्रामुख्यानं मी फिरत असतो कारण काय तर असाच एक विद्यार्थी आम्ही म्हणजे अकोल्यामधून एक विद्यार्थी अमित खैरे नावाचा विद्यार्थी या सर्व जुन्या विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी 20-25 विद्यार्थी मिशन केंद्रातील विद्यार्थी या ठिकाणी उपस्थित आहेत तर त्या मुलांना माहीत आहे असाच अकोल्यामधून एक विद्यार्थी आम्ही त्या ठिकाणी मी पकडून आणला अशा एका कार्यक्रमामधून आणि तो विद्यार्थी हा संपूर्ण देशामध्ये सेंट्रल PSIमध्ये SC प्रवर्गामध्ये संपूर्ण देशामध्ये पहिला आला गुणवत्ता ही गुणवत्ता ही अशा पद्धतीनं आम्ही सिद्ध करण्याचा जो काही प्रयत्न असेल तर तो प्रयत्न करतो कारण आंबेडकरवादी मिशन हे SC OBC LT मुस्लिम लिंगायत मराठा मुस्लिम या सगळ्या सिख समाजातील या सगळ्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी आहे आणि त्याच्यासाठी हा एक संदेश जावा विद्यार्थ्यांना कारण या ठिकाणी मी आलो आजच सकाळी या ठिकाणी माननीय कानिंदे सर इंजिनियर कानिंदे सर या ठिकाणी आहेत तर त्यांनी एक ऑर्फन मुलगी आई वडील नाही त्या मुलीला आणि त्या मुलीला म्हणजे शीख मुलीला ते जे काही म्हणजे शेजारी असते किंवा तिचं लोक म्हणजे वडील असेल सावत वडील तर वडील मला माहीत नाही पूर्ण माहिती पण तिची आई वारलेली आहे तर त्या तो वडील त्या दोन मुलीला म्हणजे निराश्रय ग्रहामध्ये टाकण्यासाठी जे काही घेऊन जात होता तर एक पुजाऱ्यानं गुरुद्वारामध्ये एक पुजाऱ्यानं त्या मुलींना दत्तक घेतलं स्वतः असा निर्णय घेतला त्या पुजाऱ्याने किंवा मी माझं लग्न करणार नाही या दोन मुलींचं शिक्षण मी करेल तर अशा ह्या शीख पुजाऱ्याने दत्तक घेतलेल्या मुलीला सकाळी मी मिशन केंद्रासाठी शीख मुलीला दत्तक घेऊन त्या ठिकाणी आलेलो सकाळी सकाळी मित्रांनो 17 तारखेला सुद्धा अशाच पद्धतीनं आमचे आदरणीय रणखाने सरांनी सुद्धा विद्यार्थ्यांसाठी कार्यक्रम आयोजित केला आहे या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले महाराष्ट्रातील एकमेव नामवंत डॉक्टर लेफ्टनंट कर्नल मधुकर कांबळे मुद्दाम या ठिकाणी कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत त्यांना रोख स्वरूपात आजच्या तारखेमधला चेक 10,000 रुपयाचा या कार्यक्रमातून देण्यात आला आहे आपण त्यांचं 10,000 रुपये रोख केल्याबद्दल टाळ्या वाजवून स्वागत करूया सर्व सन्माननीय बंधू आणि भगिनी सर्वांना माझा जयवे आजचा हा जो कदम सरांचा सत्कार सोहळा आपण सर्वांनी मिळून आयोजित केला या सर्व कार्यक्रमासाठी उपस्थित
ठाकुर साहेब पोलीस निरीक्षक पाथरी, माननीय सोनसळे सर, आहिरे सर, रामभाऊ कसबे, एम एम सोनकांबळे, तसेच प्रकाश डाके सर, सर्व मान्यवर, पत्रकार आणि शहरातील सर्व आंबेडकरवादी समाज विद्यार्थी या सर्वांचे आभार. आणि हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी कदम सर मला एवढंच म्हणायचंय की आमची पाथरीची टीम जी आहे त्या सर्वांनी मिळून महिलांनी सगळ्यांनी मिळून हा कार्यक्रम केलेला आहे. आमचं फक्त तुम्ही दोघांचं नाव घेतलं ते थोडं मला खटकलं सर, कारण सर आम्ही एक टीमचा भाग आहोत सर, याबद्दल मला अभिमान आहे. म्हणजे आम्ही सर्व नाही सर, सर्वस्व नाही आहे, कारण एकाच नाही आहे सर, सगळ्यांनी मिळून आम्ही हे योगदान तुम्हाला दिलेलं आहे. त्यामुळे सगळ्यांचे विशेष आभार, सर्वांनी सहकार्य केलंय. आमचं महिला मंडळ भीमनगर, आदर्श नगर, गौतम नगर, तसेच पी एस धनले, विठ्ठल वाघमारे, विठ्ठल कदम, करुणा पंडिताई, बायनाबाई वाकडे, आशाताई दाभाडे, राहुल ब्रह्मक्षे, ज्योती गोरे, ढवळेबाई, जेडी जाधव, विकास वाळे, भारत ढोंगरे, सौम्य सर, अशोक उजरे, गायकवाडबाई, विठ्ठलभाऊ साळवे, के पी पांढरे सर, सदाशिव थोरात, एल आर कदम, तसेच मी सुनीता धरलेताई, संगीता धरलेताई, क्षीरसागर बाई, सर्व महिला मंडळ आणि सर्व सामाजिक कार्यकर्ते या सगळ्यांनी मिळून हा कार्यक्रम केलेला आहे सर. आमचं स्वतःच दोघांचं काही योगदान नाही, फक्त या टीमचे आम्ही एक भाग आहोत सर. धन्यवाद, सर्वांचे आभार, जय भीम, धन्यवाद. बुलढाणा जिले के धम्मगिरी बुद्ध विहार में तथागत गौतम बुद्ध की जयंती धूमधाम से मनाई गई. विहार में आयोजित कार्यक्रम में किसी ने बुद्ध के प्रति विचार व्यक्त किए तो किसी ने गीत गाकर जयंती उत्सव मनाया. इस दौरान भव्य भोजन दान भी किया गया. तो यहाँ पे धम्मगिरी ये जो संस्थान है, ये संस्थान में यहाँ के जो संस्थानिक है ये यहाँ पे हर साल बहुत जल्लोष के साथ तथागत भगवान गौतम बुद्ध और महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं. और आज तथागत भगवान गौतम बुद्ध इनकी जयंती बहुत जोर से जल्लोष से यहाँ पे मनाई जा रही है. यहाँ पे मैं सब भाइयों को तथागत भगवान गौतम बुद्ध इनकी जयंती निमित्त सबको शुभेच्छा देना चाहता हूँ. जय भी बुद्ध विहार है. ये बुद्ध विहार का मैं कार्याध्यक्ष हूँ. यहाँ सब बुढ़ाना के लोग, बौद्ध लोग बहुत हर्ष के साथ इस विहार में आते हैं. ये विदर्भ का एक नंबर का विहार है, जहाँ दो भगवान बुद्ध की मूर्ति प्रस्थापित है और बहुत सारे लोग आजू बाजू खेड़े वाले लोग यहाँ आते हैं भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए. आज बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा के लिए सब भारतीयों को इस विहार की ओर से मैं शुभकामना देता हूँ. मैं और मेरी ट्रस्टी की ओर से सबको शुभकामना देता हूँ. जय भीम. विश्व में शांति स्थापित करने वाले तथागत गौतम बुद्ध की जयंती नांदेड़ शहर के उर्वेला बुद्ध विहार में महिला मंडल की ओर से मनाई गई. इस दौरान भदंदा पया बोधी ने मौजूद लोगों को प्रवचन देते हुए मार्गदर्शन किया. आज या बुद्ध जयंती निमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देते. बुद्ध जयंती वैशाखी बुद्ध पौर्णिमेचं बौद्ध समाजात अत्यंत महत्त्वाचं स्थान आहे. या वैशाखी पौर्णिमेला गौतम बुद्धाचा जन्म झाला व याच दिनी त्यांना ज्ञान प्राप्त झाले आणि याच दिनी त्यांचा महापरिनिर्वाण झाले. त्यामुळे वैशाखी पौर्णिमेला बौद्ध समाजात अत्यंत महत्त्वाचे स्थान लाभलेले आहे. तर आज या ठिकाणी मी सर्व महिलांना हे सांगू इच्छिते की त्यांनी बौद्ध धर्माचं
गौतम बुद्धांनी आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या विचारांचं अनुकरण केलं पाहिजे आणि आणि 22 प्रतिज्ञांचं आपल्या जीवनात अनुकरण केलं पाहिजे। आज महाकरुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांची 560वी जयंती या ठिकाणी श्रद्धा कॉलनी या ठिकाणी आम्ही मोठ्या उत्साहात साजरी करत आहोत। श्रद्धा कॉलनी नांदेड या ठिकाणी हे जयंतीचा कार्यक्रम पूज्य भंते पैया बोधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि त्यांचीच धम्मदेशना आम्हाला या ठिकाणी लाभणार आहे। ते आम्हाला धम्म देशना देणार आहेत। त्यांच्या त्या धम्मदेशनेचा लाभ घेण्यासाठी म्हणून आम्ही सर्व श्रद्धा कॉलनी वासी। इसी तरह वैभव नगर में बुद्ध जयंती के अवसर पर विविध स्पर्धाओं का आयोजन करते हुए स्पर्धकों को पुरस्कार देते हुए धम्म के बारे में जानकारी दी गई। प्रथमतः मी वैभव नगरवासियांच्या वतीने लाड बुद्धा टीव्ही चॅनलचे मनपूर्वक आभार आणि धन्यवाद मानतो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 185 जयंतीचं औचित्य साधून बुद्ध पौर्णिमेच्या या कार्यक्रमासाठी आम्ही नगरांच्या वतीने काही स्पर्धेचं आयोजन केलेलं होतं। लहान बालक आणि प्रौढ नागरिक यांच्या संदर्भात काही स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं आणि त्या आयोजनाच्या पाठीमागचा हेतू उद्देश असा की या ठिकाणी या बालकांच्या माध्यमातून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि तथागत गौतम बुद्ध यांचे विचार पेरणी व्हावी हा त्या पाठीमागचा महत्त्वाचा उद्देश आहे। लहान मुलांमध्ये आणि प्रौढामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीचं योगदान आणि तथागत गौतम बुद्धांनी सांगितलेला मार्ग याचं आचरण आपल्या नित्याच्या जीवनात व्हावं हा एक मुख्य हेतू हा कार्यक्रम ठेवण्याच्या पाठीमागे आहे आणि म्हणून आम्ही वैभवनगरवासीय अगदी लॉर्ड बुद्धा टी व्हीचे मनपूर्वक आभारी आहोत आणि धन्यवादही आपल्याला देतो। या सगळ्यांना माझ्या बौद्ध पौर्णिमेविषयी सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा। आज फार महत्त्वाचा दिवस आहे कारण आज तथागतांचा जन्म झालेला आहे, तसेच त्यांना ज्ञान प्राप्तसुद्धा याच दिवशी झालेले आहे, आणखी परत त्यांचं महापरिनिर्वाणसुद्धा याच दिवशी झालेलं आहे। हे तिन्ही प्रसंग एकाच पौर्णिमेला आल्यामुळं यांना फार महत्त्व आहे या पौर्णिमेला। महिलांसाठी काय सांगणार? महिलांनी या पौर्णिमेनिमित्त सर्वांनी असा आदर्श घ्यावा की सगळं पंचशिलेचे पालन करावे, 22 प्रतिज्ञेचे पालन करावे, आपल्या धम्मामध्ये जे काही आचरण करण्यासारखे आहे ते सर्व काही आचरण त्यांनी स्वतः करून घ्यावे। तथागत गौतम बुद्ध के विचारों पर पूरा विश्व चल रहा है। उनके जयंती पर जहां लोगों ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया, वहीं एक युवक ऐसा है जिसने बुद्ध जयंती के मौके पर युवाओं के बाजुओं पर बुद्ध का टैटू निकाल कर जयंती मनाई। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट टैटूज। सो टैटूज क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। टैटूज अभी इन जनरल लोगों को पता नहीं है व्हाट इज टैटूज, तो मैं थोड़ा सा टैटूज के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी बहुत सारे टाइप्स के टैटूज होते हैं, ठीक है। अभी कोई कोई एज अ फैशन, एज अ कोई किसी को अपनी मेमोरीज कलेक्ट करके रखनी है तो वो टैटूज के टाइप्स बहुत सारे होते हैं। अभी कोई एक ओकेजन हो या कुछ महापुरुषों के टैटूज हो तो वो भी अलग टाइप के टैटूज है कि आपको वो आप उनको आइडल मानते हो, उस टाइप के टैटूज भी होते हैं। सभी 3D टाइप के टैटूज होते हैं, एक रियलिस्टिक टाइप के टैटूज होते हैं। तो उसमें अभी कैसा है, अभी इन जनरल लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है टैटूज के बारे में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि टैटूज ये जब बस एक आर्ट नहीं है तो उसके ऊपर है कुछ तो भी। अगर आप थोड़ा छोटा भी टैटू निकाल के देखोगे कि आप थोड़ा सा फील करोगे, एनर्जी फील करोगे और वो एक डिफरेंट फीलिंग है। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा टैटू कुछ ना कुछ तो भी बना के देखिए, वो आपको एक एनर्जी देगा, एक प्रोत्साहन देगा। और अभी ये टैटू मैंने डेडिकेट किया, अभी एक टैटू बनाया मैंने लॉर्ड बुद्धा का। अभी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ लॉर्ड बुद्धा का, उन्होंने जो कुछ भी बताया इन जीवन में, क्योंकि वो हमें एक्चुअली जीवन में उपयोगी पड़ता है कि क्या होता है, जीवन कैसे जीना चाहिए, वो सभी बातें जो बुद्धा ने हमको सिखाई है। तो ये टैटू मैंने उनके लिए डेडिकेट किया है, ये मैंने मेरे पापा के ऊपर ही टैटू बनाया है और वो मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहे, इसलिए मैंने उनके ऊपर ये लॉर्ड बुद्धा का बुद्ध जयंती के अवसर पर टैटू डेडिकेट किया है।
WDT कर्मचारी को सरकारी सेवा में कायम करने की मांग को लेकर 20 कर्मचारी जिला कृषि अधीक्षक के कार्यालय के समक्ष अनशन पर बैठे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं। हम IWMP नाम का एक प्रोजेक्ट है और वो कृषि विभाग के अंतर्गत चलता है। उसमें हम कंसल्टेंट कर्मचारी बोल के 5 साल से लगातार काम कर रहे हैं और इसके लिए हमारी जो मांगे है वो हमारी मांगे पूरी न होने के कारण हम आज दिनांक 18/2016 जिला कृषि अधीक्षक कार्यालय के सामने अनशन पर बैठे हुए हैं। हमारे मांगे है कि हमारे को 5 साल इस प्रोजेक्ट में काम करते हो चुके हैं और हमारी यही मांग है कि हमारे को शासन सेवा में कायम करना चाहिए। वैसा तो अभी फिलहाल में GR नहीं है लेकिन कंत्राटी कर्मचारी बोल के हमारे को 11 महीने के ऑर्डर दे चुके हैं और अभी फिलहाल में जब 5 साल का प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद हमारा एज बार होने के बाद शासन ने और प्रशासन ने हमारे को इस प्रोजेक्ट से निकाल दे दिया है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम यह अनशन हमारा चालू ही रहेगा। हमारी ये मांगे है कि जो प्रोजेक्ट है IWMP ये 5 साल का प्रोजेक्ट है और ये 5 साल के प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद अभी जो ये प्रोजेक्ट वसुंधरा के अंतर्गत चलता है। वसुंधरा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने ये ऐसा जो ये शासन ने ये परिपत्रक निकाला है कि बच्चे यहाँ पे 75% काम हुआ है जिस प्रोजेक्ट में, उस प्रोजेक्ट में एक WDT कार्यरत रहेगा वैसा वहाँ वैसा कि उस प्रोजेक्ट में 3-3 WDT कार्यरत है। उस पर उसमें जो उन्होंने ऐसा बताया कि 75% जहाँ पे काम हो गया है NRM का, वैसे तो NRM काम से हमारा जो ज़्यादा हमको उन्होंने इन्वॉल्व भी नहीं किया, ऐसा सिर्फ लैब जो है उसमें से हमको इन्वॉल्व किया गया है। मगर उन्होंने हमको ऐसा ये किया कि अभी दो जो रहे वाले हैं बाकी WDT उनको अतिरिक्त बता के उन्होंने हम पे अन्याय किया है। तो हमारी यह प्रमुख मांग है कि उन्होंने सबको ऑर्डर देना, जो जितने भी WDT है उनको उन्होंने सबको ऑर्डर देना और उनकी सबकी उपजीविका आगे ले जाना और उनको रोजगार देना। नागपुर के सरकारी मेडिकल अस्पताल में जिंदगी और मौत के से जूझ रहे 11 साल के वैभव कोल्हे को दिल की बीमारी होने से उसका इलाज करने के लिए पिता दुर्योधन ने मदद की गुहार लगाई है। बीते दिनों मुंबई के एक अस्पताल में एक ऑपरेशन करने के बाद तबीयत ज़्यादा खराब होने पर डॉक्टर ने फिर से ऑपरेशन करने को कहा है, इसके लिए यह मदद मांगी जा रही है। दर्शकों जय भीम नमो बुद्धाय। ऐसे कई गरीब लोग हैं जो इलाज के लिए शहर का रुख करते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज ठीक से नहीं हो पाता। और ऐसे ही गृहस्थ हमारे साथ में है जिनका नाम है दुर्योधन कोल्हे जो कि कुई तालुका से आते हैं और उनका जो बेटा है वैभव जो कि 11 वर्षीय है उसे हृदय की बीमारी होने के बाद वह मुंबई के एक अस्पताल सूर्य हॉस्पिटल में उसके इलाज के लिए लेके गए लेकिन डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उस बच्चे की तबियत में काफ़ी सुधार न आते हुए काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी है। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं वैभव के बारे में। काका क्या कहना चाहोगे कि वैभव की जो स्थिति है उस बारे में? वैभव की आता स्थिति एकदमच गंभीर है। त्याचा सर्जरी मुंबईला 11/2 मुंबई इथं राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मार्फत करण्यात आली। त्या योजनेतून 11 त्याचं ऑपरेशन झाल्यानंतर आम्हाला लगेच दुसऱ्या दिवशी 12 सुट्टी देण्यात आली। आम्ही 13 गावला वापशी आलो परंतु 2 दिवसानंतर त्याला इन्फेक्शन झाल्यामुळे आम्ही लगेच नागपूरला मेडिकल कॉलेज इथे दाखल केलं। तिथलं केल्यानंतर आम्ही आता जवळपास 3 महिन्याच्या अवधी होता आम्ही मेडिकल कॉलेज इथे ॲडमिट आहोत। इथे ॲडमिट असताना आमच्या गावाकडे एक मुलगी पण 15 दिवसाच्या आधी 5 मार्चला मृत्यू पावली। परंतु आता मुलांचं हृदयाचं ऑपरेशन करणं अत्यंत गरजेचं असल्यामुळे आम्ही सुपर हॉस्पिटल इथे पण घेऊन गेलो होतो पण त्यांनी आम्हाला असं म्हटलं की ते तुम्ही मुंबईला केल्यामुळे आम्ही इथं नागपूरला करणं शक्य नाही कारण ते तुम्हाला मुंबईलाच घेऊन जावं लागेल। परंतु मला एका व्यक्तीने असं सांगितले की तुम्ही नागपूर येथील देशपांडे हॉस्पिटल इथे चालले जा। मी तिथं देशपांडे सरांकडे गेल्यानंतर त्यांनी इको वगैरे केले, तपासणी केल्याच्या बादमध्ये त्यांनी आम्हाला इथं ऑपरेशन करण्याचं म्हणजे आपुलकी दाखवली। त्याच्यामुळे आम्ही तिथं
जिल्हा शल्य चिकित्सालयामार्फत मुख्यमंत्री सहायता निधीकरता पत्र पाठवलेलं आहे, पण अजून एक महिन्याची अवधी होऊनही आम्हाला मुख्यमंत्री सहायता निधी अजूनपर्यंत उपलब्ध झालेली नाही. करीता आता माझ्या मुलाची परिस्थिती वेळ म्हणजे आता खूपच परिस्थिती गंभीर आहे, त्याच्यामुळे त्याचं ऑपरेशन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु आमच्याकडे पैशाची कमतरता असल्यामुळे आम्ही काही करू शकत नसल्यामुळे आमच्या मुलाचा जीव फारच धोक्यात आहे. तरी पण माझ्या मुलाचा जीव वाचवण्याकरता मदत करावी असे माझी हार्दिक इच्छा आहे. मुझे बताइए कि आपने मुंबई के सूर्या हॉस्पिटल में वैभव को जब एडमिट किया तो उनकी लापरवाही की वजह से आज वैभव की ये स्थिति हुई है, तो उन्होंने आपने उन पर कभी ब्लेम नहीं किया, आरोप नहीं लगाया कि आपकी वजह से मेरे बेटे की ये हालत हुई है तो आप मेरे बेटे को वहीं पे एडमिट कीजिए, ऐसा कुछ नहीं कहा आपने? मैंने बोला मैम उनसे, मैंने फोन पर ही कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने बोले कि जो भी हमने किया है वो बराबर किया है. मैं बोला आपने बराबर है तो उसका ताप क्यों कम, फीवर क्यों कम नहीं हो रहा? तो बोले कम हो जाएंगे, बोले अभी बोले वातावरण के वजह से कुछ ऐसे वजह से बोले कम हो जाएंगे, ऐसे उनकी बात है. लेकिन 3 महीने से कंटिन्यू एंटीबायोटिक देने के बावजूद भी उसका फीवर कम ही नहीं हो रहा अभी. मेडिकल के डॉक्टर का क्या कहना है? उनका कहना यही है कि उनका लास्ट सर्जरी यही उपाय है. सर्जरी लास्ट उपाय है. कितना खर्च लगभग आ सकता है? देशपांडे सर ने हमको 4.5 लाख का एस्टिमेट दिया है वो ऑपरेशन के लिए, और 1,500 रुपये एंटीबायोटिक का खर्चा है, 6 लाख तक खर्चा उन्होंने कम से कम. लोगों से क्या दरखास्त करेंगे कि किस तरह से आपको मदद मिलनी चाहिए? नहीं, हमने तो मुख्यमंत्री साहब के तरफ भेजा है, क्योंकि पहले सर्जरी जो हुई है वो राजीव गांधी के माध्यम से हुई है, तो उनका कितना खर्च हुआ है मुझे भी नहीं पता. तो अभी जो भी बचा होगा राजीव गांधी जीवनदाय योजना से तो वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसने में ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि 1.5 लाख का ही पैकेज है बोलते रहे राजीव गांधी का. और इसलिए हमने मुख्यमंत्री सहायता निधि के लिए अर्जी की, लेकिन अभी तक 1 महीना हुआ है तो अभी मुख्यमंत्री साहब ने हमको पैसा जमा नहीं किया अभी तक. दोस्तों, ये है हमारे साथ में दुर्योधन कोले जो कि वैभव के पिता है, और वैभव का नाम लेते वो छोटा 11 वर्षीय एक बच्चा है जिसका हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए उन्होंने मदद की गुहार लगाई है. और हम मेरी तरफ से तथा लॉर्ड बुद्धा टीवी की तरफ से भी एक गुजारिश है सभी जनता से कि हमारे टीवी स्क्रीन पर दुर्योधन कोले का अकाउंट नंबर चल रहा है और साथ ही साथ उनका मोबाइल नंबर भी चल रहा है. अगर आप किसी को भी वैभव की अगर मदद करना चाहते हो तो यहाँ पे इस नंबर पर आप अपने टीवी स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर उनका फोन नंबर कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं. जय भीम इंडिया में आज के लिए बस इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत. जय भीम.